इंस्पिरेशन लेनी चाहिए लोगों को, कुणाल से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि सपोर्टिंग अ वूमन हु इज़ यू नो फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड बाय अ हस्बैंड. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन का वो हो सकता है. नंदिनी को सोसाइटी से बाहर निकाला जा रहा था क्योंकि ये भाई साहब ने उनके कुछ अश्लील फ़ोटो लीक कर दिए थे और लोग सोसाइटी में तमाशा बना रहे थे कि ऐसी औरत को सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए. तो फिर फाइनली मैं उनको ज्ञान देता हूँ कि गलती उसकी नहीं है, गलती राजदीप की है. ऐसे इंसान की वजह से, ऐसे घटिया इंसान की वजह से यू नो इन ऐसी लड़कियों को शर्मिंदा होना पड़ता है. और फिर फाइनली सोसाइटी वालों को एक सीख देख के, एक मैसेज दे के उन्हें समझ में आता है और उन्हें लगता है कि वाकई में नंदिनी के साथ कुछ बुरा हुआ है और हमें इस तरीके से उसे धुतकारना नहीं चाहिए था. एंड देन फाइनली आफ्टर टॉकिंग टू समवन आई जस्ट यू नो सी राजदीप एंड देन वी हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन. केओस नाउ. तो इसके बाद अब जब इतना तमाशा हो चुका है, राजदीप ने इतना कांड किया है नंदिनी की लाइफ में और कुणाल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में फिरा. सो ऐसी हरकत के बाद तो राजदीप जैसा कैरेक्टर मार खाने के लिए, मतलब ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि राजदीप वाकई नंदिनी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसे इतना मिस कर रहा है वो. पहले तो इतना धुतकारता था, अब अलग हो गई है. इसके बाद he is frustrated. Now he is like, कोई चाहिए उसे फ्रस्ट्रेट करने के लिए. वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो बन जाएगा. कुणाल को नंदिनी से प्यार है, राजदीप को नंदिनी से प्यार है, नंदिनी को किससे है, नंदिनी को कुणाल से है, तो मौली को किससे है, मौली को कुणाल से है. स्क्वायर बन रहा, नॉट इवन अ ट्रायंगल. फाइट के बारे में ये बताना चाहेंगे कि लिखा तो है बहुत कुछ, लेकिन वी विल ट्राई टू डू इट इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे एंड इन अ लिटिल सेफर वे, बिकॉज फाइट सीक्वेंस हमेशा थोड़े इंजरी प्रोन होते हैं एंड वी ऑल हैव हिस्ट्री ऑफ इंजरीज. So we'll try to do it. You know, we are both mature, so अच्छे से करेंगे.